नमस्कार पिला माने, आज आम बीजगणितिक समीकरण अन्य एक अध्याय विषय आलोचना करिबा। एही विषय आम द्विघाती समीकरण समाधान किपरि करा जाए ताहा विषय पढ़िबा। एहा सह घातांकीय समीकरण गुड़िकर समाधान किपरि करा जाए थाए ताहा विषय आम किछि आलोचना करिबा। एक द्विघाती समीकरण समाधान किपरि करा जाए पारिबो ताहा एठारे आम उदाहरण सह देखिबा। आमको एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो समीकरणटीर समाधान करिबाकु अछि। समीकरणटीर समाधान करिबा पई प्रथमे आमे एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो को एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर रूपरे प्रकाश करिपारिबा। एठारे आमको माइनस फाइव एक्स को एपरि भावरे प्रकाश करिबाकु हेबो जहाकि प्रथम एवं शेष पदर गुणफल सह समान होता। एठारे प्रथम एवं शेष पदर गुणफल होउछि फोर एक्स स्क्वेयर अर्थात माइनस फाइव एक्स को आम माइनस फोर एक्स माइनस एक्स द्वारा प्रकाश कर पारिबा। माइनस फोर एक्स माइनस एक्स रो गुणफल फोर एक्स स्क्वेयर हेब। एहिपरि भावरे प्रथम आम एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो को एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो रूप से प्रकाश कले। बर्तमान आम एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स को एक्स इंटु एक्स माइनस फोर द्वारा प्रकाश कर पारिबा एवं माइनस एक्स प्लस फोर को माइनस वन इंटु एक्स माइनस फोर द्वारा प्रकाश कर पारिबा। एही समीकरण टी सरल कले आम पाइबा एक्स माइनस फोर इंटु एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एठारु आमे पाइबा जे एक्स रो मूल्य चार हबो किंबा एक्स रो मूल्य वन हबो। तेणुकरी दत्त समीकरण रो बीजद्वय चार एवं वन हबो। एहिपरि भावरे एक द्विघाती समीकरण टिकु सरलीकृत करिबा द्वारा आमे एहारो बीज गुड़िक निर्णय करिपारिबा। एक द्विघाती समीकरण रो दुईटी बीज रहिबो एवं एहा उभय धनात्मक किंबा ऋणात्मक होइपारे। बर्तमान आमे अन्य एक उदाहरण देखिबा एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस टेन बाय सेवेन माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर। यह समीकरणटीर किपरि समाधान करा जाई पारिबो ताहा एठारे आमे शिखिबा। यह समीकरणटी को बाम पार्श्वरे सरलीकृत कले आमे पाइबा एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस टेन बाय सेवेन माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर। सरलीकृत करिबा द्वारा आमे देखिबा जे एक्स इंटु सेवेन माइनस एक्स प्लस टेन इंटु एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन इंटु सेवेन माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर हब। यह पुनश्च सरलीकृत करने द्वारा आम पाइबा सेवेन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स माइनस सेवेन इज इक्वल टू फोर हब। बर्तमान यह समीकरण टी पुनश्च सरलीकृत करने द्वारा आम पाइबा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस सेवेन्टीन एक्स माइनस थर्टी टू एक्स प्लस माइनस टेन प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो हेबो। बर्तमान एहाकु आमे एक्स स्क्वेयर एक्स एवं ध्रुवक राशि अनुजाई प्रकाश कले देखिबा एहा होइजिबो थ्री इंटु एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एहाकु पुनश्च सरलीकृत कले आमे पाइबा एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अर्थात एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। बर्तमान एहाकु आमे लेखिपारिबा एक्स इंटु एक्स माइनस थ्री माइनस टू इंटु एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एहार समाधान होइजिबो एक्स इक्वल टू टू किंबा एक्स इक्वल टू थ्री। एहिपरि भावरे आमे द्विघाती समीकरणटीर मूल टू एवं थ्री बोली निरूपण करिपारिले। बर्तमान आमे एक घातांकीय समीकरण देखिबा एवं एहार समाधान किपरि होइपारिबो ताहा विषयरे आलोचना करिबा। एक अज्ञात राशि एवं घातांक द्वारा प्रकाशित होउथिबा समीकरणटीकु घातांकीय समीकरण बोली कुहाजाए। थ्री टू दि पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू नाइन एहा एक घातांकीय समीकरण अटे। अन्य एक उदाहरण हेउछि फोर टू दि पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर एहा मध्य एक घातांकीय समीकरण अटे। सेहिपरि भावरे टू टू दि पावर एक्स प्लस टू इंटु थ्री टू दि पावर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू नाइंटी सिक्स
ଏହିପରି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସମୀକରଣ କହିଥାଉ, ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏବଂ ଘାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଟି ଘାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କିପରି କରିବା ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଅଛି 4 to the power x + 1 = 64 ର ସମାଧାନ କର। ଏହି ସମାଧାନଟି କିପରି କରିବା ତାହା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସମାଧାନଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 64 4 ଘାତାଙ୍କ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 64 = 4 to the power 3 ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 to the power x + 1 = 4 to the power 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ x + 1 = 3 ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ 3 - 1 = 2। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଏହାସହ ଆମେ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।